व्यक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। अभी तक आपने विदेश के कई भयानक और डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी भारत के ऐसे डरावने किले के बारे में बताएंगे जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार है और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किला दिखने में जितना शानदार है उतना ही उसका अतीत काफी भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी और उनका यौवन उनके रूप में निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंगिया नामक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंगिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना बन गया था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया लेकिन उसे वही पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकने से ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंगिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने एक शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। लेकिन एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध किया गया है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की टीम मौजूद रहती है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया
वो कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना भी पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जानें कि आप कैसे इस जगह जा सकते हैं। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती है। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले में भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चिड़ियों के खनकने की भी आवाज़ें साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वही किले में शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे रहस्यमय और रोमांचक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए जय हिंद।